हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल। एज यू कैन सी, देखो अभी पैंडमिक में सिर्फ पैंडमिक है। आई स्ट्रगल सो हार्ड टू गेट समथिंग न्यू फॉर यू, बट आई कैन नॉट सी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट मस्ट टेक सुओमो टू कंसर्न वैक्सीनेशन के बारे में बात हो रही है। ये आप रीड कर सकते हैं एक बार, दिस इज योर होमवर्क। नीचे स्टेट मस्ट स्पेंड मोर, ऐसे ही सेम आर्टिकल मुझे एक ऊपर मिला था, ठीक है। जो देखो ये वाला, फिर यहाँ पे म्यांमार के बारे में, तो दिस इज़ द डिफरेंट आर्टिकल। यहाँ पे आई सर्वाइव मैंने ये पढ़ा, ये कहानी है, दैट्स इट, नथिंग इज। देन अगेन पैंडमिक, सो आई एम गोना डिस्कस दिस आर्टिकल विद यू, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं पैंडमिक में स्टेट गवर्नमेंट को। देखो ये क्या कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बोरिंग जो कॉन्स्ट्रेंट है उनको हटा के 5% तो GSDP का देना ही चाहिए। अभी क्या है, 3% दिया गया है, ठीक है। अप फ्रॉम अलाइंग देम टू बोरो 5% ऑफ द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अप फ्रॉम 3% इन ऑर्डर टू फिनेंस देयर एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि जो करी गई है लिमिट, जो थोड़ी बहुत बढ़ाई गई, हमें लगता है हाँ आसपास अभी जो बढ़ाई गई 0.5%, वो अनकंडीशनल है। बाकी सब कंडीशनल है कि आप सेंटर के मैंडेट पर चलेंगे, ठीक है। वो करेंगे तो आपको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। उनका इवन दो स्टेट हैड डन दैट, स्टिल उन्होंने अपना पूरा बोरोइंग कैपेसिटी नहीं यूज़ किया है। देखो यहाँ पर बताया गया है, बट द एवरेज बजट डेफिसिट ऑफ 13 स्टेट्स इज लोअर एट 3.3% ऑफ GSDP। इसका इम्प्लाई क्या करता है कि अभी भी उनके पास है पैसे बोरो करने के लिए, पर वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और एक्सपेंडिचर नहीं कर पा रहे। अब ये कहा गया है द बजटरी एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फॉर 13 स्टेट इज पेक टू ग्रो बाय अ मेयर 6.5%, दिस डिस्पाइट सम ऑफ दी स्टेट, स्पेशली जो महाराष्ट्र एंड ऑल जो हिट हार्डर हुए हैं, उन्होंने भी पेक सिर्फ 2.2% ही किया है। तो यहाँ पर रूम है और स्टेट्स को पैसे बढ़ाने चाहिए। फाइटिंग दिस पैंडमिक मस्ट यूटिलाइज द फिजिकल स्पेस अवेलेबल टू देम टू सपोर्ट द इकॉनमी ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम। नेक्स्ट यहाँ पर बात हो रही है म्यांमार की। वही आपको पता है, वहाँ मेजरली जुंटा सीधे लोगों को मार रही हो, कह रही है कि सिचुएशन हैज बीन रिस्टोर्ड, स्टेबिलिटी इज रिस्टोर्ड। तो आथर ये कह रहे हैं कि ये गलत है भैया। आप देखो आसियान कह रहा है, जाके उनसे कह रहा है कि आप, आसियान क्या कह रहा है कि हम लोग पीसफुल रेजोल्यूशन लाएंगे, एक एनवॉय जाएगा म्यांमार में, पर वो ये नहीं कह रहा है कि आंग सान सू की को बाहर निकाला जाए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, या डेमोक्रेसी लाया जाए, इसका नाम ही नहीं है। बट उनका एटलीस्ट ये इतना तो कर सकता है ना कि म्यांमार अपना वॉयलेंस कम कर दे, ठीक है। आसियान एंड इट्स अलाइज इंक्लूडिंग इंडिया शुड बी पुट मोर प्रेशर ऑन द मिलिट्री जुंटा टू एक्सेप्ट द प्लान। अब यहाँ पे आगे क्या बात हो रही है, अ न्यू जनरेशन म्यांमार हैज़ कम टू एज इन डिकेंड लॉ थॉ इन मिलिट्री रूल एंड इट वॉन्ट्स नथिंग लेस देन डेमोक्रेसी। यंगर जो प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, 2008 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था मिलिट्री जुंटा और सिविलियन के बीच में, मतलब डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट थी इलेक्टेड उनके बीच, और वो कह रहे हैं कि हमें एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक ही गवर्नमेंट चाहिए। तो अब देखते हैं कि क्या आगे आसियान और ये नेशन ला पाते हैं एक फ्रंट और नॉट। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द किड्स आर नॉट ऑलराइट। देखो आप लोगों को पता है कि COVID-19 के टाइम पे देयर इज हेल लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस, ठीक है। तो ऑथन अमेसियन है, इन्होंने ये बोला कि कोस कोविड ने सेंटर ने अपना हेल्थ बजट बढ़ाया है 1.2 से 2.5%, जिसमें आपको पता है कि मेंटल हेल्थ सिर्फ 0.5% तो दिस ही कंस्टिट्यूट कर रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल प्रपोर्शन। इंडिया के पास वन ऑफ द हाइएस्ट रेट ऑफ चाइल्ड अब्यूज, डिप्रेशन, सुसाइड है अमंग चिल्ड्रन यूथ इन दी वर्ल्ड। WHO के एक सर्वे ने भी फाउंड किया कि COVID-19 पेशेंट ने जो क्रिटिकल मेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं उनको 93% तक कम कर दिया। तो वही चीज़ें यहाँ पे फिलहाल कहानी बताई है, कैसे स्टूडेंट्स चाहते हैं बाहर निकलना इन सब चीज़ों से, और पेरेंट्स उन पर कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो उससे सिचुएशन से बुरी ही हो रही है। यहाँ पे लॉस, डिस्पेयर, लॉकडाउन में यूथ के साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। मैनी हैड लॉस्ट देयर फ्लेजिंग जॉब्स। अब यहाँ पे एक कम्यूट वो हुआ था, क्या कहते हैं, एक शायद कम्युनिटी सर्विस टाइप हुआ था, जहाँ पे इन्होंने देखा कि जितने जो बहुत सारे यूथ आए जिन्होंने जॉब और सब खो दी थी, और पैंडमिक के पहले वो बहुत ज़्यादा सही थे, उनके पास फ्यूचर था, उनकी मतलब कैपेसिटीज बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो दिस इज़ अ ट्रॉमेटिक स्कार। ऑथर ने लास्ट में ही बोला है कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी जो पैंडमिक है ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि आप क्वेश्चन करिए, ठीक है। द पैंडमिक हैज जॉल्टेड ह्यूमैनिटी एंड मेड अस क्वेश्चन द वे वी हैव ट्रीटेड नेचर एंड एनवायरनमेंट एंड इट रेज्ड डाउट अबाउट द मीनिंग ऑफ सक्सेस द इंस्टीट्यूशन दैट डिफाइन इट इन आर माइंडलेस परस्यूट ऑफ दिस मटीरियल। इट हैज ऑल्सो गिवन अस अ चांस टू रिकंसिडर आर प्रायोरिटीज इन टर्म ऑफ मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ आर चिल्ड्रन विच कुड हैव अ प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन द चॉइसेस दे मेक टू शेप आर फ्यूचर वर्ल्ड। बट द क्वेश्चन इज हाउ मच ऑफ अवर माइंड स्पेस एंड रिसोर्स are we willing to devote to creating a new normal for our young people and their future and indeed for the humanity to save. I hope you get this article. Thank you and have a nice day.